जबलपुर गोरखपुर थाना अंतर्गत ईसाई मोहल्ला निवासी साक्षी स्वामी के साथ उसके पड़ोसी द्वारा धमकी देकर मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत सौंपी गई। पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट की, जबकि वह एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। जब वह पुलिस में शिकायत करने गई तो कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत सौंपी और कार्रवाई किए जाने की मांग की। मैं एक नेशनल खिलाड़ी हूँ, मेरे साथ मारपीट की गई है और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कहाँ कहाँ नेशनल खेला है आपने? मैं छत्तीसगढ़ में 2 बार जा चुकी, एक बार शिमला गई थी, अभी दिल्ली में मेडल लेके आई हूँ जी। अभी मुझे उत्तराखंड भी जाना है, पर उससे पहले मारपीट कर दी है ये लोगों ने और कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए ये खिलाड़ी की क्या दुर्दशा बना है। उन लोग मतलब SC ST वाले इतनी गाली गलौज गंदे शब्द बोलते हैं, हम लोग बोल भी नहीं पाते उनसे। मम्मी पापा थे नहीं, हम दोनों बहनों के साथ मारपीट करें। मम्मी बाद में काम से आई, मम्मी बंगलों में काम करती हैंगी। हम लोग मम्मी को पता नहीं किसने बताया तो मम्मी सीधे थाने पहुँची और गोरखपुर थाने वाले सुनवाई ही नहीं करते हैं। गोरखपुर थाने वाले आपकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं? कोई भी बात नहीं सुनते हैं। कल दिन भर बिठाए रहे पर FIR की जगह उनने NCR पकड़ा दिए, बोलते यही होगी और कोई सिद्धि नहीं। और किस कारण से उन्होंने आपको मारा? ताले के पीछे, हमारे घर में उन्होंने ताला लगा लिए थे अपना। ताला क्यों लगा रहे, कुछ मालूम है आपको? नो सर, ये नहीं पता, पर पूरा सामान हमारा घर के अंदर रखा है अभी।